हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन। और मंचूरियन बनाने के दो प्रोसेस हैं। पहला, मंचूरियन बॉल्स बनाने हैं, दूसरा उसका ग्रेवी। सो मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए हम 6 लोगों के मंचूरियन बना रहे हैं। तो उसके लिए हम लिए हैं 3 पत्ता गोभी, 2 गाजर। अभी हम पत्ता गोभी को ग्रेट करेंगे कुछ इस तरह। कुछ ऐसे ग्रेट करने हैं फाइनली, और ये आगे पूरा पत्ता गोभी को ऐसे ही करना है। पत्ता गोभी अब ग्रेट करने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम 2 गाजर लिए हैं, इसको इस तरह छील देंगे। गाजर छिलने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम इस गाजर के साइड्स को ऐसे काट देंगे। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। गाजर को हम किस इस तरह कर ग्रेट करेंगे। गाजर ग्रेट करने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। ये हमारा गाजर और पत्ता गोभी ग्रेट करके तैयार है। अब हम ये पत्ता गोभी से पानी जो है वो हम निकालेंगे ऐसे करके, कुछ इस तरह हाथ में लेके उसको ऐसे करके निचोड़ेंगे और अलग करेंगे। ऐसे करके पूरा पत्ता गोभी को हम अलग करेंगे। इसको अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा बॉल्स जो है नरम ना हो। पूरा पानी इसका निकल जाना चाहिए। अब हमारा जो बंदा गोभी है बंद करो।
अब हमारा जो पत्ता गोभी है वो लगभग तैयार है। लास्ट में जो पत्ता गोभी पानी के अंदर रह जाता है उसको उससे पानी निकालने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे इसका बॉल्स, मंचूरियन बॉल्स के लिए ये जो पत्ता गोभी हम ग्रेट करके रखे हैं इसको हम एक बाउल में डालेंगे। अब ये गाजर को भी हम डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे कुछ इस तरह। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। पहले हम लेंगे 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1 चम्मच गरम मसाला। अब हम डालेंगे चाट मसाला, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट, और लगभग 1 चम्मच ब्लैक पेपर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि सारे मसाले अंदर तक जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच मैदा,
अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हम देख सक रहे हैं कि पत्ता गोभी से थोड़ा पानी और निकला है, सो ये नरम होने वाले है, तो हम और थोड़ा मैदा यूज करेंगे। एक और चम्मच हम ऐड कर रहे हैं, फिर से मिक्स कर रहे हैं। लगभग ये मिक्स हो चुकी है। ट्रायल के लिए हम एक बॉल बना रहे हैं, कुछ इस तरह। ऐसे ही हमको बाकी बॉल्स भी बनाना है। ट्रायल में आप जब बॉल्स बना रहे हैं तो ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए। ताकि जब आप फ्राई करें तो ये अलग ना हो जाए। जब तक आप बॉल्स बना रहे हैं तब तक इस साइड में कढ़ाई में आप तेल गरम करने के लिए दे सकते हैं। हम यहाँ पे सरसों तेल यूज कर रहे हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। बॉल्स कुछ इस तरह रेडी है। तेल गर्म है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए हम एक छोटा सा बॉल बना के उसमें हम टेस्ट कर चुके हैं। अब हम ये बॉल्स को तेल में डालेंगे। आंच बिल्कुल धीरे होनी चाहिए। हम ये बॉल्स को तब तक छानेंगे जब तक ये बॉल्स पूरी तरह से लाल ना हो जाए। अब हम इसके आंच को तेज कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। लगभग तैयार मंचूरियन बॉल्स लगभग तैयार हो चुकी है। ये सारी मंचूरियन बॉल्स हैं। अब हम इसको साइड में रख देंगे।
अब मंचूरियन बनाने के लिए हम कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची और लंबाई से कटी हुई हरी मिर्ची भी यूज़ करेंगे। अब कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे, इसको तब तक मिलाएंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज लगभग लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको थोड़ा पकाएंगे लगभग एक मिनट। अब हम इसमें डाल दिए हरी मिर्ची, उसको फिर से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। थोड़ा विनेगर, थोड़ा चिली सॉस, थोड़ा रेड चिली सॉस, सोयाबीन कलर के लिए और सेजवान सॉस, सेजवान सॉस 2 चम्मच, और इसको मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम उसको अच्छे से मिला देंगे। ग्रेवी लगभग तैयार है, थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर हम इसको ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी तैयार है, अब हम इसमें जो मंचूरियन बॉल्स हमने बना के रखी थी उसको हम इस पे डालेंगे। बना के रखा था, रखी थी। अब हम इसको धीरे धीरे करके मिला देंगे ग्रेवी में। उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपका मंचूरियन अब तैयार है। अब प्रेजेंट करने के लिए इस पे हम गार्निश करेंगे धनिया।
धनिया पत्ता से। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।